अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से अपने लैपटॉप या पीसी की हार्ड ड्राइव की पार्टीशन को डिलीट करके किसी दूसरी पार्टीशन में किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा अपने लैपटॉप या पीसी में कि आपकी जो सी ड्राइव होती है या सी पार्टीशन होती है वो हमेशा फिल रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको एरर आना स्टार्ट हो जाती है या आपकी विंडो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। अब आप चाहते हैं कि मैंने वो सी ड्राइव की जो मेमोरी है उसको मैंने इंक्रीज करना है, वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए आपको पार्टीशन करनी पड़ेगी। अगर आपने हार्ड ड्राइव की पार्टीशन की पहली मेरी वीडियो नहीं देखी तो वो आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं और आप सीख सकते हैं कि हम किस तरीके से हार्ड ड्राइव की पार्टीशन कर सकते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। टाइम ज़ाया करने के बजाय हम लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब आपने आ जाना है अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। स्क्रीन पर आने के बाद जहाँ लिखा हुआ है माई कंप्यूटर, माई कंप्यूटर का आपको आइकन नजर आ रहा होगा, इस पर आपने कर देना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद नीचे लिखा हुआ है मैनेज, जहाँ मैनेज लिखा हुआ है आपने इस पर क्लिक कर देना है। जो आपके सामने नई विंडो ओपन होगी उसमें आपने जाना है जहाँ लिखा हुआ है स्टोरेज, स्टोरेज के नीचे आ रहा है डिस्क मैनेजमेंट, आपने डिस्क मैनेजमेंट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आपके सामने आपकी हार्ड ड्राइव शो हो जाएगी, उसमें कौन सी पार्टीशन है वो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। जैसे डी है, डी में कितनी जीबी पड़ी हुई है मेमोरी, वो बता रहा है कि कितनी जीबी की ये पार्टीशन है, ए कितनी जीबी की पार्टीशन है, ये सब कुछ आपको बता रहा है। अब हमने सीखना है कि हम किस तरीके से एक पार्टीशन को डिलीट करके दूसरी पार्टीशन में ऐड कर सकते हैं। इससे पहली वीडियो अगर आपने मेरी नहीं देखी जिसमें मैंने बताया हुआ है कि मैं किस तरीके से अपनी हार्ड ड्राइव की पार्टीशन कर सकते हैं, तो उसका लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और आप सीख सकते हैं कि हम किस तरीके से अपनी हार्ड ड्राइव की पार्टीशन कर सकते हैं। अब हम सीख लेते हैं कि हम एक पार्टीशन को डिलीट करके दूसरी पार्टीशन में किस तरह ऐड करते हैं। आपको इधर मैं एक बात बताता चलूँ कि आपने एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा देता हूँ कि अगर आपने सी पार्टीशन में से ई पार्टीशन को बनाया है, ठीक है, तो ई तो सी पार्टीशन की मेमोरी हो चुकी है फिल। अब चाहते हैं कि मैं ई को वापस लेके आ इसी सी में, तो वो आप लेके आ सकते हैं, बजाय इसके आप ई को के में या आप ई को जी में या डी में नहीं लेके जा सकते। उसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मैं ले लेता हूँ डी को मैं कर देता हूँ एक बार डिलीट, ठीक है, आपके सामने करता हूँ। इधर मैंने कर दिया इसको डिलीट करने के बाद अब आपने डी को करना है सी में, ठीक है। डी को मैंने डिलीट करने के बाद इस पार्टीशन को मैं ऐड करने लगा हूँ सी में। सी पर आपने राइट क्लिक करना है और आप देखें इधर एक्सटेंड वॉल्यूम की ऑप्शन नहीं दे रहा, मतलब कि ये सी वॉल्यूम से डी को नहीं बनाया गया, ठीक है। अब मैं इसके इधर से करके देख लेता हूँ इसको ई में मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद ये देखें एक्सटेंड वॉल्यूम इधर आ रहा है, इसका मतलब है कि मैंने ई से डी की पार्टीशन की हुई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब मैं करता हूँ कि इसको कर देता हूँ, ये अनलॉकेड है, इसको मैं लॉक्ड कर देता हूँ, अनलॉक्ड कर देता हूँ, ठीक है। वो आपने किस तरह करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद न्यू सिंपल वॉल्यूम पर आपने क्लिक कर देना है, फिर आपने नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट करने फिर आपने नेक्स्ट कर देना है, फिर आपने नेक्स्ट कर देना है, फिर आपने नेक्स्ट कर देना है, फिर आपने फिनिश कर देना है, तो आपके ये वॉल्यूम वापस आ जाएगा, आपके पार्टीशन ओके हो जाएगी, ठीक है। एक बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है कि आपने जो भी पार्टीशन किसी दूसरी पार्टीशन में ट्रांसफर करनी है तो अपना डाटा जो होता है उसको किसी दूसरी पार्टीशन में सेव कर देना है, क्योंकि अगर आप उसको डिलीट करके दूसरी पार्टीशन में ऐड कर दोगे तो वो आपका डाटा रिमूव हो जाएगा। आपने अब क्या करना है, मैं अब ई पर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद अब इसको मैं कर देता हूँ इधर से डिलीट वॉल्यूम पर क्लिक करता हूँ, इधर से कर देता हूँ यस करने के बाद अब मैं करता हूँ सी पर राइट क्लिक करने के बाद ये देखिए एक्सटेंड वॉल्यूम का इधर ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इधर से करता हूँ इसको एक्सटेंड। 92 GB मेरी सी का वॉल्यूम है, आप देख सकते हैं इधर, तो मैं इधर इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद फिर मैं इधर से इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, नेक्स्ट करने के बाद फिर मैं इधर से इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये देख सकते हैं 102 हो चुका है, अब 92 से 9 GB इसमें ऐड हो चुकी है, तो ये 102 हो चुका है। इसका मतलब है कि अब मेरी जो सी की मेमोरी है वो इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल मेरे को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर देना, क्योंकि मैं टेक के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूँ और भी बहुत मज़ेदार मेरी यूट्यूब पर मेरी वीडियो पड़ी होती है, आप जाकर उनको विजिट कर सकते हैं। तो अभी तक मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।